अजनाला दे सरहदी पिंड कोटक जादा विच पिछले दो दिनों तो चोरा वालों चोरी दियां वारदातां कीतियां जा रही हैं। हुण तक यह चोर पंज घरां नूं अपना निशाना बना के 12 तोले सोना, पैसे, लैपटॉप, ट्रांसफार्म ते होर कीमती समान चोरी कर चुके ने। फिलहाल मौके ते पहुंची पुलिस वालों मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, पर हले तक पुलिस किसी भी आरोपी नूं गिरफ्तार नहीं कर सकी। चोरा दा शिकार होए लोकां ने पुलिस प्रशासन तो मांग कीती है कि चोरा नूं जल्द काबू कीता जावे। उधर पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले दी गंभीरता नाल जांच कीती जा रही है। जी मिती 15-16 दी रात नूं रिशपाल मसीह कोट रजादे दे घर चोरी होई, जिहड़े कूलर ला के ते बाहर सुते गए, पिछों उन्हां दे अंदर वड़ के किसे ने चोरी करके ते समान चोरी करके लै गए आ। तो जिस संबंधी दरखास्त दी है तफतीश जारी है, फिर भी लोगों को पिंड वाले हिदायत की जाती, थोड़ा जहा बेसले हो गए रहा कर, अपने बूहे पर मार के रखा कर, योजे अंसरों तो बचा किया जा सके। और एक दो जगह घर गए फोलिया पर बचाव हो गया, होर कि नहीं, सिर्फ एक रिशपाल मसीह के घर ही नुकसान हो। राती गल हुई है जी, अही गर्मी करके अं सारा परिवार बाहर सुते हाँ, कूलर ला गए, लैंड सिर मंजे डाह गए, तो रात कोई ममटी थानी साडा दरवाजा दी कुंडी तोड़ के थले उतरे ने, पिछों दी चढ़ के अणपछाते व्यक्ति जिन्हां बारे सानू पता नहीं लग सकिया। 5 बजे रात सवेरे मैं तौलिया लैन गया कमरे चों अंदरों नहाउण वास्ते, ते जांदिआं नूं समान खिलरिया पिया सी। सर जी 26,000 रुपया नगद, 12 तोले सोना, ते बाकी छोटा मोटा जो आम परसां च हुंदा जनानियां दे थोड़े बहुते पैसे। मेरा नाम पूनम है, तो मैं कोटरजादे की रहने वाली। जो असी सुते सी ते रात में कोई चोर आए साडे घर, तो जेडे कमरे च असी सुते सी उसकी बाहरों कुंडी ला के तो साडे घर की फोला फलाई की। मेरे मम्मी ते डैडी सस सहुरा जेहड़े छत के उपर सुते हुए, तो जो उन्होंने सवेरे उठे तो साढ़े बार वाला दरवाजे की कुंडी भी टुटी हुई सी, सारी फोला फलाई हुई सी, अलमारियां खुलिया सी, तो जेडे पर चोर ने पर साढ़े घर च कुछ भी चुकन दे, उन्होंने फोला फलाई तो की पर कुछ लभ नहीं सके। गल हुई रात अं बाहर सुते हैं गर्मी कारण, तो राती चोर आए ने, उन्हें सारे अंदर की तलैशी ली, जो ट्रंकों की लंबारियों की सब लौकर तोड़े आ, तो अं जो सवेरे उठे हाँ अं सवेरे वेख्या जाके तो सारा ही समान खिलरिया पिया, तो बंदे बुंदे पट्ठे किए, सारा पिंड कट्ठा होया, उन्हें सारे ने वेख्या भी आ बहुत खिलारा पिया है, जिहड़ा कोई समान चंगा चंगा सी लै गए आ, तो बाकी सारा ही खिलरिया पिया समान, सारा ही लैपटॉप भी एक लै गए। फिर अं गगोमाल तलाह दी आ, वो आण के मुलाजम वेख के गए ने, उन्हें मूवी बनाई आ, वो सब कुछ चैक करके गए ने, सब कुछ वेख के गए खिलारा पिया, तो उन्हें मूवी बना के लै गए ने, उन्हें अं कार्रवाई करांगे। ट्रांसफार्म मेरा जिहड़ा घर दे लागे लाइट जगदी दे विच चोरी होया आ, ये जिहड़ा उन्हां उत्तों छुट के थले मुड़ के नेरे दे विच आड़ लागे लगती ही, इधरों की वह वापस सड़क के उत्ते दूर तकरीबन 2 किले की दूरी पर खड़ के उन्हू उत्तों तेल खड़ के ते मुड़ के उन्हों मोटरसाइकिल के उत्ते लद के फिर अगों तकरीबन किलोमीटर जा के अगे वह बाकी समान जिहड़ा उत्थे सुट्टिया आ, जिहड़ा कि अहीं फोटो दे विच आ जिहड़ा आ विखाया आ। ते साडे पिंड दे विच इदों पहलां दो पाला मसीह सरपंच के घर सोना चारी किया आ, नाल 26-27,000 रुपया ही 12 तोले सोना ही, वह सबका सरपंच रिशपाल मसीह का जोड़ा उतों घर के उत्तों किया चोरी। उस रात पहला 2 घर सरदार जगविंदर सिंह के घर में ये बारियां पुट के तो उन्होंने जो घर इंटर किए, घर खोलिया उतों लभा कख नहीं गा, फिर एक लागे रहमत सिंह दर्जी आर गए आर भी इन्हों इस तरह बारी पुट के लंघे आ, तो लंघ के तो उतों भी नहीं कुछ लभ्या, अलमारियां वगैरह फोल के वह समान वगैरह सुट गए सारा। उदों बाद ये 16 तरीक की गल आ, 17 की फिर रात को दिन का ही वखबा पैन, तो अगले दिन फिर 17 तरीक न मेरा चोरी हों, रात को एक साढ़े पिंड कोटरजादे दे कुलदीप सिंह सानव घसीटा सिंह वो गरीब की बांह कटी हुई आ, थ्रैशर दे विच आण के वो बाहर पखे थले सुते आ, बंदे आण के वो जिहड़े आ वो बंदे लंघ के उत्तों ममटी दे कोठे ते चढ़ के ममटी वाला बूहा खोल के
ਥੱਲਿਓਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੇਟੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਾਂਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90244-70842। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।